नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। जानेंगे विज्ञान और तकनीक की दुनिया में इस हफ्ते क्या कुछ हुआ खास, और साथ ही चर्चा करेंगे रिवर्सिंग ब्रेन ड्रेन कार्यक्रम के तहत वैज्ञानिक क्यों कर रहे हैं विदेशों की जगह भारत का रुख। लेकिन सबसे पहले एक नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। प्लूटो के करीब पहुंचकर नासा के न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने रचा इतिहास, ग्रह से जुड़ी तस्वीरें और जानकारियां भेजी। सर्न के लार्ज हैड्रन कोलाइडर में शोध कर है वैज्ञानिकों ने की पेंटा क्वार की खोज। वैज्ञानिकों का दावा 1960 में ही वैज्ञानिकों ने प्राप्त की कण के बारे में जानकारी। कोलकाता यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक ईना बैनर्जी के दल का शोध, फेफड़े और आंत की बीमारियों की रोकथाम के लिए थेरेपी और एंटीबॉडी की खोज। ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का कारगर कदम, भारतीय वैज्ञानिकों और छात्रों के साथ साथ विदेशी युवा भी हुए आकर्षित। और चिली में सोलर मॉड्यूल लैंप का निर्माण, सूर्य से चार्ज होने वाला लैंप देता है 50 घंटे तक रोशनी। और अब खबरें विस्तार से। एक दशक के लंबे प्रयास और 3 अरब किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद नासा के न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो के बेहद करीब पहुंचकर नया कीर्तिमान रच दिया है। 14 जुलाई को नासा का ये अंतरिक्ष यान प्लूटो की सतह से सिर्फ 7,750 किलोमीटर की ऊंचाई से गुजरा। अंतरिक्ष यान ने न सिर्फ इस नन्हे ग्रह की तस्वीरें ली बल्कि कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी भेजी हैं। पेश है ये रिपोर्ट। प्लूटो सौर मंडल में सबसे दूर और सबसे छोटे ग्रहों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि ये सौर प्रणाली की शुरुआती वक्त से ही मौजूद है। इसके बारे में ज्यादातर बातें अभी भी रहस्य में हैं, लेकिन अब इन रहस्यों पर से पर्दा उठने वाला है। मानव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक अंतरिक्ष यान प्लूटो पर पहुंचने में कामयाब रहा है। करीब एक दशक में 3 अरब मील की दूरी तय करके नासा का अंतरिक्ष यान न्यू होराइजन्स आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों को मिले संकेतों से पता चला है कि 14 जुलाई की सुबह पूर्वी समय के मुताबिक 7:49 पर ये यान प्लूटो के 7,750 मील करीब से गुजरा। प्लूटो की कक्षा में प्रवेश करते वक्त न्यू होराइजन्स ने इस ग्रह की कुछ बेहद नजदीकी तस्वीरें खींची हैं। इन तस्वीरों में प्लूटो और इसके चंद्रमाओं की छवि कैद है, जो कि अब तक की मिली तस्वीरों से काफी बेहतर और स्पष्ट हैं। अब तक मिले आंकड़ों से वैज्ञानिकों को प्लूटो के आकार का पता लगाने में काफी मदद मिली है, और अब ये स्पष्ट हो चुका है कि प्लूटो का आकार अनुमान से काफी बड़ा है। इसका व्यास करीब 2,370 किलोमीटर है, जो कि पहले के अनुमान से 80 किलोमीटर ज्यादा है। We've discovered that Pluto is a little bit larger than we anticipated. We now have good measurements of its diameter and its radius. Its radius is 1,185 kilometers, plus or minus 10. That settles the debate about the largest object in the Kuiper Belt. It also has important scientific implications. Because it's larger, and we've known its mass very precisely for a long time, that means it's a little less dense, which will raise the fraction of ice in the interior that modelers will need to compensate the rock in the interior. इन तस्वीरों में प्लूटो की सतह पर बर्फीली टोपियां और मैदानी इलाकों के साथ साथ दक्षिणी गोलार्ध में कुछ रहस्यमय काले धब्बे भी दिखाई पड़ रहे हैं। न्यू होराइजन हल्के वजन वाला एक परमाणु संचालित यान है, जिसे 19 जनवरी 2006 को नासा के न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। साल 2007 में इसने बृहस्पति के विशाल गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करते हुए वहां से आगे की उड़ान भरी थी। लॉन्चिंग के बाद से ये यान करीब 3 अरब मील से भी ज्यादा का सफर तय करते हुए प्लूटो तक पहुंचा है। न्यू होराइजन्स को इस तरह से बनाया गया है कि ये 30 मिनट तक प्लूटो और उसके 5 चंद्रमाओं के पास से गुजर सके। इस दौरान यान में लगे कैमरे और उपकरणों से ली गई तस्वीरों की मदद से इस ग्रह के बारे में कई नई बातों का पता चल सकेगा।
इन तस्वीरों और विचारों से वैज्ञानिकों को सौर प्रणाली और पृथ्वी के गठन के बारे में पता लगाने में मदद मिलेगी। सर्न के लार्ज हैड्रन कोलाइडर में काम कर रहे वैज्ञानिकों ने एक नए कण का पता लगाया है जिसे पेंटा क्वार्क का नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि 5 सब एटॉमिक कण मिलकर एक नए कण का निर्माण करते हैं जो कि पेंटा क्वार्क है। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि इस कण के बारे में 1960 में भी भविष्यवाणी की गई थी। फिलहाल इस शोध को फिजिक्स रिव्यू लेटर में भी प्रकाशित किया गया है। इस कण के बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या होता है जब बड़े तारे टूटते हैं? अंतरिक्ष की गहराइयों में अकल्पनीय तापमान के बीच जो नए कण पैदा होते हैं उसी से ब्लैक होल्स बनते हैं। ब्रह्मांड के अंधेरे में छिपे रहस्यों का पता लगाते हुए शोधकर्ता एक नतीजे पर पहुंचे हैं जिसे नाम दिया है पेंटा क्वार्क्स। गॉड पार्टिकल पर काफी बहस हो चुकी है, लेकिन इस साल 5 अप्रैल से फिर से शुरू हुए लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ने पेंटा क्वार्क्स के बारे में एक और खुलासा किया है। कोलाइडर पर काम कर रहे शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि क्वार्क्स कहे जाने वाले 5 सब एटॉमिक कणों के मिलने से एक नए तरह का कण बनता है जिसे पेंटा क्वार्क कहते हैं। पेंटा क्वार्क के अस्तित्व के बारे में नोबेल पुरस्कार विजेता मरे गेलमन ने सबसे पहले 1960 में कहा था। उन्होंने कहा था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स 3 तरह के कणों से बने हैं जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं। वैज्ञानिकों ने भी प्रयोग के बाद मिले नतीजों के आधार पर इस सिद्धांत को सही पाया है। अब वैज्ञानिक 3 क्वार्क्स के एक अस्थिर गेंद लैम्डा बैरियन के विघटन का अध्ययन करने में जुटे हैं। इसके लिए लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक के निष्कर्षों से पता चला है कि पेंटा क्वार्क्स में 2 अप क्वार्क, 1 डाउन क्वार्क, 1 चार्म क्वार्क और 1 एंटी चार्म क्वार्क होता है। इस खोज के बारे में फिजिकल रिव्यू लेटर्स नाम की पत्रिका में रिपोर्ट छपी है। वैज्ञानिक अंधेरे ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने में जी जान से जुटे हैं। कोलकाता यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक ईना बैनर्जी और उनके दल ने कैमेलिड एंटीबॉडी एंड थेरेपी की खोज की है जो कि फेफड़े और आंत की बीमारियों से बचाव के लिए कारगर साबित होंगी और इसके साथ स्टेम सेल थेरेपी के जरिए गंभीर बीमारियों का इलाज भी संभव हो पाएगा। खास तरह की एंटीबॉडीज जिनका इस्तेमाल तयशुदा मामलों में ही किया जा सकता है, फिर भी ये आम एंटीबॉडी से बेहद हल्के हैं। वजह है इनमें प्रोटीन चेन का नहीं होना, जिनका इस्तेमाल अब तक तमाम तरह के एंटीबॉडीज में किया जाता रहा है। ये हैं ऊंट के शरीर से विकसित किए गए एंटीबॉडीज। इस तकनीकी पर काम कर रहे शोधकर्ताओं का मानना है कि ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रयोगों में इन एंटीबॉडीज का काफी इस्तेमाल हो सकता है। इन एंटीबॉडीज को सिंगल डोमेन एंटीबॉडी या नैनोबॉडी कहा जाता है, जिनका इन दिनों थ्योरेप्टिक और कॉस्मेटिक क्षेत्र में काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। कोलकाता यूनिवर्सिटी के जूलॉजी विभाग में डॉक्टर ईना रे बैनर्जी की प्रयोगशाला में इस एंटीबॉडी के अलग अलग इस्तेमाल पर शोध किए जा रहे हैं। इस प्रयोगशाला में ट्रांसलेशनल मेडिसिन में इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीबॉडीज पर प्रयोग किए जा रहे हैं। भारत और अमेरिका में 20 साल से भी ज्यादा समय तक काम कर चुकी डॉक्टर ईना इस शोध की अगुवाई कर रही हैं, जिससे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो सके। इस टीम ने नैनोबॉडीज का उत्पादन करने वाली VHH जीन्स को अलग करने में सफलता पाई है। ई कॉली बैक्टीरिया के साथ इनका इस्तेमाल एंटीजन जैसी एंटीबॉडीज के उत्पादन में की जा सकती है। We are developing antibodies for infectious diseases, for example, common diseases which suddenly mutate and become atypical and cannot be diagnosed by traditional antibodies. We are also developing them for cosmetic uses, for example, as deodorants or as dandruff, for acne, which are chronic ailments. These antibodies are very powerful, as well as for therapeutic and prophylactic molecules. Because of the high rate of elimination, these antibodies versus the traditional antibodies, which tend to accumulate in your body and give rise to problems in the synovial joint, such as edema and a pseudoarthritic like situation. These antibodies are very, very efficient. They can be used topically, they can be taken orally, and they can be used as diagnostic tools.
ये एंटीबॉडीज आकार में छोटी होती हैं, लिहाजा सूक्ष्म इलाकों में भी आसानी से जा सकती हैं। इनकी दूसरी खासियत है ऊंचे तापमान को आसानी से बर्दाश्त करने की इनकी क्षमता। टीम के मुताबिक ये तकनीकी बोविन मैस्टिटिस, एक्ने वल्गेरिस और कैंडिडा इन्फेक्शन के उपचार में सहायक है और इनमें इंसानों और जानवरों में होने वाली कई बीमारियों और एलर्जी से लड़ने की क्षमता है। उम्मीद है कि डॉक्टर बैनर्जी और उनकी टीम को भविष्य में इस दिशा में और मनोवांछित फल मिलेंगे। पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन तक रोशनी नहीं पहुंच पाती। ऐसे लोगों तक रोशनी पहुंचाने के लिए चिली में सोलर लाइट मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। इस लाइट मॉड्यूल को सुली लैंप का नाम दिया गया है। सूर्य की रोशनी में चार्ज होने वाला ये लैंप 50 घंटे तक काम करता है। अपने इस खास सेगमेंट टेक्नोलॉजी यू कैन यूज में आपको बताएंगे सुली लैंप के बारे में। तो एक नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। सोलर लैंप सुनने में तो बिल्कुल आम लगता है, लेकिन तरह तरह के सोलर लैंप आम की श्रेणी में नहीं आते। मसलन पढ़ने के लिए लैंप, कैंपिंग के लिए लैंप और साइकिल में लगने वाले लैंप। इन लैंप को सुली लैंप कहते हैं, जिन्हें चिली में विकसित किया गया है। ये लैंप सूरज की रोशनी से चार्ज होते हैं और एक बार पूरी तरह चार्ज होने के बाद 5 मीटर के इलाके को 50 घंटे तक रोशन कर सकते हैं। इन सोलर लैंप की डिजाइन बेहद आसान है, जिनमें सोलर पैनल और एलईडी लाइट लगी होती है। लेकिन इनकी खास बातें हैं इनमें लगे हुए 2 फास्टनिंग सिस्टम, जो किसी भी सतह पर रोशनी को तेज करते हैं और इनके अलग अलग इस्तेमाल भी हो सकते हैं। Este módulo solar está compuesto básicamente por 4 elementos que son los más importantes. Uno es un panel solar que toma la energía del sol, la lleva a unas baterías, en este caso que son baterías AAA recargables. Cuenta también con un circuito y con un LED. Este LED es el que genera la luz, que para nosotros es como la principal particularidad del módulo solar. Y junto a estas cosas existen lo que nosotros llamamos enganches, que son 2 enganches estándar que hacen que Zuli sea versátil. Estos enganches están diseñados en el fondo, se diseñaron pensando en que no fuera solo una linterna, sino que uno pudiera jugar o crear a través de la Zuli, crear diferentes aplicaciones. उम्मीद है कि सुली लैंप अप्रैल 2016 तक बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे और फिर बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए अंधेरे में रोशनी की किरण फैलाएंगे। और अब वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है खास, डालेंगे एक नजर साइंस एक्सप्रेस पर। प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व जानकारी पाने और जानमान का नुकसान कम करने की दिशा में 27 देशों के वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री और भूकंप विज्ञान के जानकार साथ मिलकर काम करेंगे और उनकी अगुवाई करेगा भारत। कॉम्बैटिंग अर्थक्वेक डिजास्टर नाम के सम्मेलन में ये ऐलान किया गया। इसमें भूकंप से पहले धरती के भीतर होने वाले रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। सम्मेलन में ऐलान किया गया कि भारत 2019 तक अंतरिक्ष में एक उपग्रह छोड़ेगा, जो धरती की सतह पर होने वाले बदलावों में सेंटीमीटर की हद तक सही तस्वीरें भेजेगा। नाव बनाने के लिए पारंपरिक लकड़ी की कमी को देखते हुए उसका सस्ता विकल्प देने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी ने केरल में नारियल के पेड़ से नाव बनाने का नुस्खा तैयार किया है। नारियल के जो पेड़ गिर जाते हैं उन्हें रासायनिक विधि से सस्ते और लंबी अवधि तक चलने वाले नाव तैयार किए जाते हैं। We thought of coconut wood because some diseased coconut trees and felled coconut trees were lying waste and so we thought of building a boat out of coconut wood and started experiments on that. ये नाव फाइबर ग्लास से ढके होते हैं और पानी में रासायनिक स्राव नहीं होने देते, लिहाजा इन्हें पर्यावरण के माकूल करार दिया गया है।
संस्थान ने ऐसा ही एक नाव कन्नमाली चेरियाकडावू फिशरीज डेवलपमेंट वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी को जांचने के लिए दिया है। सफाई के बेहतर नुस्खों के प्रयोग के लिए और आम लोगों में शौचालय के इस्तेमाल के प्रति जागरूकता जगाने के लिए मशहूर कलाकार सुदर्शन पटनायक ने 12 जुलाई को उड़ीसा के समुद्री तट पर बालू से नक्काशी बनाई। सबको पता है कि हमारा देश में काफी लोग जो हैं वो ओपन डेफिनेशन के लिए बाहर यूज कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी ये है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये एक सैंड आर्ट क्रिएट किए हैं जिसमें हमारा ये मैसेज है कि यूज टॉयलेट, कीप दी एनवायरनमेंट क्लीन। तो ये बहुत ज़रूरी है, हम चाहते हैं हर कोई तो इसमें अवेयर होना चाहिए जो स्वच्छता का बात होता है। पुरी के तट पर बनी आकृति का पैगाम था शौचालय का इस्तेमाल करें, पर्यावरण को साफ रखें। इसका मकसद था सार्वजनिक जगहों पर सफाई की अहमियत का एहसास आम लोगों में कराना। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुए अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस में टॉप 500 की लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट में चीन के टियानही 2 सुपर कंप्यूटर ने पहले पायदान पर बने रहने का अपना वर्चस्व बनाए रखा है। टियानही 2 को चीन के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने तैयार किया है और ये ग्वांगजू शहर के नेशनल सुपर कंप्यूटर सेंटर में रखा हुआ है। ये एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए चीन सरकार के दिए आर्थिक मदद से बनने वाले 3 सुपर कंप्यूटरों में से एक है। एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में 1 मिलियन ट्रिलियन कैलकुलेशन कर सकता है। टियानही 2 प्रति सेकंड 33,860 ट्रिलियन कैलकुलेशंस करके शीर्ष पायदान पर बना हुआ है। विलुप्त प्रजाति की लंबी फेहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है। कनाडा के शोधकर्ताओं ने एक नए डायनासोर का अवशेष ढूंढ निकाला है जिसका नाम कनाडा के फॉसिल हंटर वेंडी स्लोबाबा के नाम पर वेंडी सेराटॉप्स रखा गया है। जानकारों के मुताबिक करीब 20 फीट लंबा ये डायनासोर 2 टन वजनी था। इस डायनासोर के नाक से ठीक ऊपर सींग हुआ करता था, जबकि इसके सिर के पिछले हिस्से में सामने की ओर झुके हुए छोटे छोटे हुक्नुमा कांटे हुआ करते थे। विज्ञान पत्रिका PLOS 1 में इस डायनासोर के बारे में विस्तार से जानकारी छापी गई है। विटामिन सी के अनगिनत गुणों से हम सभी वाकिफ हैं। अब जानकारों का कहना है कि विटामिन सी के इस्तेमाल से लंबी जिंदगी भी मुमकिन है। ये शोध फलों का सेवन करने वाले डेनमार्क के 1 लाख लोगों के DNA के जांच के बाद सामने आया है। विशेषज्ञों के मुताबिक ज्यादा फलाहार करने वालों में दिल की बीमारियों की आशंका 15% और समय से पहले मृत्यु की आशंका 20% कम होती है। विटामिन सी आपस में जुड़ने वाले उत्तकों के बनने में मदद करता है और कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है, जिससे दिल की बीमारियों समेत कई बीमारियों का खतरा कम होता है और समय से पहले मृत्यु की आशंका भी कम हो जाती है। युवा देश का भविष्य होते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य की तलाश में अक्सर युवा विदेशों की ओर खींचे चले जाते हैं। यही वजह है कि युवाओं की बड़ी जनसंख्या होते हुए भी देश प्रगति नहीं कर पाता। इस समस्या से निपटने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी विभाग ने कारगर कदम उठाए, जिसके बाद न सिर्फ भारतीय छात्र और वैज्ञानिक देश वापस लौट रहे हैं, बल्कि विदेशों से भी युवा भविष्य बनाने के लिए भारत का रुख कर रहे हैं। आज अपने सेगमेंट खोज खबर में चर्चा करेंगे, क्यों है भारत में ब्रेन ड्रेन को रोकना जरूरी। असीमित कल्पना शक्ति और असाधारण रचनात्मकता के धनी नौजवान राष्ट्र के निर्माता होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की करीब 35 करोड़ 60 लाख आबादी 10 से 24 साल के बीच की है, जो कि अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। इतने सारे प्रतिभाशाली युवाओं में भारत के बौद्धिक और रचनात्मक नौजवान बेमिसाल हैं। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि हमारा देश अभी भी विकसित देशों की कतार से पीछे खड़ा है? इसका जवाब सिर्फ 2 शब्दों में छिपा है, जिसका अर्थव्यवस्था पर काफी गहरा असर है, और वो है ब्रेन ड्रेन, यानी प्रतिभा का पलायन। ये सिलसिला 90 के दशक से शुरू हुआ और अभी भी देश के सैकड़ों प्रतिभाशाली छात्र बेहतर मौके, रोजगार और उच्च शिक्षा के लिए दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में इस रुख में बदलाव आया है। भारत तेजी से एक ऐसे देश के रूप में उभरा है
जहां से पलायन कर गई प्रतिभाएं अब वापस लौट रही हैं। इन प्रतिभाओं की वापसी में सरकारी नीतियों का योगदान अहम है, खासकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इस मामले में सराहनीय काम किया है। ये विभाग अपनी नीतियों और योजनाओं के जरिए प्रतिभाशाली लोगों को देश की सेवा के लिए वापस लाने का काम कर रहा है। ऐसी क्या वजह है जो भारतीय शोधकर्ताओं को विदेशों में जाकर शोध करने और बढ़िया प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती हैं? दरअसल अच्छी और वैज्ञानिक प्रतिभाएं अपने अनुसंधान के लिए अनुकूल माहौल के साथ साथ एक ऐसे सामाजिक ढांचे की तलाश में रहती हैं, जहां वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। विदेशों में मिलने वाली यही सुविधाएं ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसे देखते हुए वैज्ञानिकों की वापसी और देश में ही अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने पुनः प्रवेश फेलोशिप की कई योजनाएं शुरू की हैं, जो प्रवासी भारतीय शोधकर्ताओं में तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। 5 साल की रामानुजम फेलोशिप के तहत हर महीने 75,000 रुपए की एक मुश्त रकम के साथ आकस्मिक अनुदान के तौर पर हर साल 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसी तरह रामलिंगा स्वामी पुनः प्रवेश फेलोशिप ऐसे भारतीय नागरिकों के लिए है जो विदेशों में जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान के क्षेत्र में काम करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अलग अलग फेलोशिप के जरिए भारत आने वाले वैज्ञानिकों को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों और विभागों में शामिल किया जा रहा है। इनमें काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च और बोस इंस्टीट्यूट समेत ऐसे कई रिसर्च सेंटर हैं जिन्हें सरकार से फंड मिलता है। So there are several fellowships that allow our scientists to come back to India until they find a permanent job, either in academia or in industry. So people who have good potential, who have done good work, who work in good areas, we want to attract them back to India. Now many times when a person is ready to come back, he may not have a permanent job, in which case, you know, it becomes very hard for people to come back. So we provide these opportunities for them to come back whenever they are ready. So these are Ramanujan Fellowship, for example, or INSA Inspire Fellowship for faculty. इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से ऐसी सहयोगात्मक परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं, ताकि विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के वैज्ञानिक और तकनीशियन संक्षिप्त दौरे पर भारत आकर यहां के वैज्ञानिकों के साथ अनुसंधान का काम कर सकें। जैव तकनीकी विभाग में वेलकम ट्रस्ट फेलोशिप कार्यक्रम में वरिष्ठ, मध्यवर्ती और शुरुआती फेलोशिप योजनाएं हैं। इसी तरह जैव ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए एनर्जी बायोसाइंस ओवरसीज फेलोशिप योजना है, जबकि सीनियर रिसर्च एसोसिएट योजना कुशल वैज्ञानिक विशेषज्ञों की भारत वापसी के लिए है। हालांकि देश में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अब तक कई कार्यक्रम और पहल किए गए हैं, पर डीएसडी की इंस्पायर योजना इनमें सबसे प्रमुखता से सामने आई है। इसका मकसद विज्ञान के क्षेत्र में रचनात्मक खोज के प्रति छात्रों में उत्साह बढ़ाना है। इसके तहत विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वालों को पुरस्कार और छात्रवृत्ति दी जाती है। And also other benefits like for money for doing research. So they can go to a university, they can go to an institute and they can work there for up to 5 years. Until they are ready to move or they find a permanent position there. So in this way, you know, you can attract a lot of good scientists from abroad. And that's what we have been doing consistently. भारत में विज्ञान और तकनीक की प्रणाली को बेहतर और मजबूत बनाने के साथ साथ वैज्ञानिक रूप से योग्य मानव संसाधन खड़ा करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। वक्त आ गया है कि ऐसे प्रतिभाशाली शोधकर्ताओं को देश में ही वैज्ञानिक गतिविधियों के विकास के लिए बेहतर मौके मुहैया करवाए जाएं। इससे न सिर्फ वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थानों में बेहतर सोच और प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि इससे देश में वैज्ञानिक कौशल का भी और विस्तार होगा। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसे लगा आप हमें ज़रूर बताएं। आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली 11001।
तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन विज्ञान और तकनीकी ताज़ा हलचल से आपको रूबरू करवाने के लिए अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।